हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ये हमें फाइंड आउट करनी है। इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज 2/5। ये हमें डेटा गिवन है, इसकी हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके है, 5/13 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है, 5/13 के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू किसके गिवन है, 2/5 के। फाइंड आउट क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। तो यहां पे देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकालू बच्चों, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 5/13 मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या हो गया, 5/26। क्लियर बात। अब यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं हम। पी ऑफ ए बाय बी गिवन है, इसी को उठा लो। पी ऑफ ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होगा। बट ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पता है, दो वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ए बाय बी की वैल्यू क्या है, 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास, 5/13। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई इसकी इसकी मल्टीप्लाई, 5/13। 5 से 5 कट गया तो कितनी आ गई, 2/13 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गई, 2/13 के। बात समझ में आ गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पे देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास, 5/26 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारी, 5/13 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी निकली हमारी, 2/13। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 26, 26 से 26 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 प्लस में 13 टू जा 26, 2 5 जा 10 माइनस में 13 टू जा 26, 2 2 जा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 और 5 15 में से 4 गया, 11/26, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, चुटकियों में सोल्व आउट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं बैठा हूं, चिंता मत किया करो किसी बात की भी, बेफिक्र होके पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, मेहनत आप करो, हेल्प मैं करूंगा, नंबर पूरे आएंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। मोटिवेशन बी पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है। कुछ ना समझ में आ रहा है यार, उस टाइम पे छोड़ दो उसको, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसको, देखेंगे नेक्स्ट क्लासेज है साथ में, यार मैं बैठा हूं क्यों चिंता कर रहे हो मैथ की, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, शेयर करना, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th के बच्चों को भी जरूर बताना। आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।